hey everyone this is advocate farheen ansari and welcome back to the fourth part of the most interesting lesson of your english syllabus that is 1.5 the new dress But iske pehle ke teen parts we have already covered the introduction and character analysis of the main character mabel Waring, along with all other characters of the story if you haven't watched the scene the link is in the description below do watch it for your quick and better understanding बच्चों यहाँ तक का हमने देखा कि किस तरह मेबल के इनर कॉन्शियस में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही थी उस पार्टी में मेबल अपने आप को बाकियों के साथ एक फ्लाई से एसोशिएट कर रही थी लेकिन खुद को एक ओल्ड डिंजी अगली फ्लाई लेकिन बाकियों को ब्यूटीफुल ड्रैगन मेबल की कुछ खामियों में जेलस फील करना अपने आप की तरफ अनकाइंड और मीन होना अपने आप से नफरत करना ये उसके कुछ चीफ फ्लॉज थे जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बच्चों जब तक आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे इस दुनिया में कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा इसलिए सेल्फ़ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब आगे बढ़ते हैं अब मेबल जो कि अपने आप से धीरे धीरे कह रही थी मुझे इस पार्टी में एकदम डाउडी महसूस हो रहा है बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है एकदम डिक्रिप्ट यानी ओल्ड फैशन आउटडेटेड जैसा लग रहा है बिल्कुल भी एकदम एक, एक डर्टी मक्खी जैसा लग रहा है और उसकी ये बात रॉबर्ट हेडन जो कि पार्टी में आए एक जेंटलमैन गेस्ट थे ने सुन ली और सुनकर वहाँ रुक गए और मेबल को मोटिवेट के साथ थोड़ा इंक्रेज करना चाहा और कहा अरे मेबल जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है तुम खुद एक अकेले कोने में खड़ी हो तो कैसे पार्टी इंजॉय कर पाओगी बाहर आओ लोगों से मिलो उनसे बातें करो तो तुम्हें भी मज़ा आएगा और लोगों को भी पता चलेगा कि तुम कितनी फ़नी हो अब रॉबर्ट ये सब कुछ इसलिए कह रहे थे कि मेबल वो पार्टी को इंजॉय कर सकें बेचारी अकेले अकेले खड़े रह के लोनली फील कर रही है इसलिए उन्होंने पूरी सिंसियरिटी के साथ मेबल से ये कहा लेकिन हमारी मेबल जो कि एक पेसिमिस्टिक थिंकर है उसे रॉबर्ट की ये बातें एकदम डिसऑनेस्ट इनसेंसियर और झूठी लगी कि बस ये भी आके मेरा मजाक बना रहा है अब रॉबर्ट की ये बातें सुनकर मेबल के दिमाग में थॉट्स आना शुरू हो गए वो इस बात पर सोचने लगी कि ऐसी बड़ी बड़ी पार्टी में या तो लोग एकदम रियल होते हैं या एकदम फेक ये होते कुछ और हैं लेकिन दिखाते कुछ और ये रॉबर्ट भी शायद बन रहा है इतना स्वीट सिंसियर स्वामी टाइप लेकिन ये है बड़ा कमीना टाइप इसके दिल और दिमाग में ज़रूर कुछ और था अब इस पार्टी के शानदार ड्राइंग रूम से मेबल को मिस मिलेन जो कि उसकी ड्रेस मेकर थी उनके छोटे से कमरे का ख्याल आया मिस वो छोटा सा रूम बड़ा ही हॉट, एयरलेस और गरीब सा था घर में एंटर करते ही गीले कपड़ों की और कैबिज की सब्जी की स्मेल आती और इस सब के बीच मिस मिलान अपने हाथों में एक पानी का ग्लास लेते हुए अपने बनाए हुए ड्रेस को देखते हुए बड़ी खुश हो रही थी एक अंदर से हैप्पीनेस वाली फीलिंग उनके चेहरे पे नजर आ रही थी क्योंकि मेबल के ड्रेस के लिए उन्होंने बड़े दिल से काम किया था मेबल के उस येलो ड्रेस को कंप्लीट होता हुआ देख मिस मिलान के चेहरे पर एक अलग चमक थी वो खुशी से फुली नहीं समा रही थी छोटा घर गर, गरीबी ये सब भूल कर उन्हें बस अपने किए हुए काम पर प्राउड फील हो रहा था उन्होंने जैसा ड्रेस मेबल के लिए सोचा था वैसा खूबसूरत सा ड्रेस उन्होंने बना लिया था और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी अब मिस मिलान ने वो ड्रेस अपने ऊपर लगाकर देखा जस्ट टू इंश्योर द लेंथ ऑफ द ड्रेस सामने जो मिरर था वो स्क्रोलॉपिंग यानी फ्लार के ऑर्नामेंट्स शेप्ड में महगोनी यानि डार्क रेड वुड फ्रेम से बना था जैसे ही वो ड्रेस उन्होंने अपने आप पे लगाया उनके चेहरे पे एक स्माइल सी आ गई वो अपने आप को एक सुंदर लड़की जैसा इमेजिन करने लगी अपने आप पे उन्हें प्राइड होने लगा अब ये प्राइड कोई गुरूर नहीं था बट इट वॉज सेल्फ़ लव अपने बनाए ड्रेस पे फख्र हो रहा था उन्हें जो कि एक अच्छी बात है अब स्कर्ट की लेंथ उन्हें थोड़ी लंबी लगी तो उन्होंने माथे पे शिखन लाते हुए अपने लिप्स को अंदर फोल्ड करते हुए कहा कि स्कर्ट इतनी लंबी नहीं रख सकते इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अब मेबल को अचानक से मिस मिलान की तरफ प्यार आने लगा कि कैसे कोई इंसान किसी दूसरे की खुशी के लिए इतना सोच सकता है बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक वुमेन जब दूसरी वुमेन की साड़ी ठीक या पिनअप करती है या एडजस्ट करती है तो ज़मीन पे बैठ के साड़ी के प्लेट्स को अरेंज करती है अपने मुँह में पिंस रखती है कि कहीं कुछ लूज हो तो पिन लगा के एडजस्ट कर लेंगे उसी तरह वो बेचारी मिस मिलान उस ड्रेस की लेंथ को सही करने के लिए अपने मुंह में पिंस रख कर ज़मीन पे बैठकर मेबल के उस ड्रेस को सही करने लगी जिसे सोच मेबल को अपने आप पे शर्म आने लगी कि वो ऐसी पार्टी में ऐसे लोगों के साथ जो कि अनरियल और फेक है जिन्हें लोगों की इमोशंस की कोई फिक्र नहीं उसके साथ अपना वक्त बिताना चाहती थी जबकि मिस मिलान तो असली इंसानियत की एग्जाम्पल है वो बिना स्वार्थ के मेबल के उस ड्रेस के लिए इतनी मेहनत कर रही थी सिर्फ उतना ही नहीं मिस मिलान भले गरीब हो लेकिन उनके पास एक पेट बर्ड भी था वो बड़े प्यार से उस बर्ड के लिप्स में सीड्स डालती अब बच्चों यही सब छोटी छोटी चीज़ों से कंपैरिजन समझ आता है कि कैसे मिस मिलान जिनके पास कोई मटेरियल और लग्जोरियस चीज़ें न होने के बाद भी शी वॉज इंटरनली हैप्पी और एक तरफ हमारी मेबल जो कि इतनी शानदार पार्टी में जाने के बाद भी खुश नहीं थी अब ये सारी यादें जो मेबल के दिमाग में चल रही थी मिस मिलान उनके वो रूम उनका निस्वार्थ प्यार उनकी और पिटीनेस वो स्क्रोलोपिंग ग्लास जिसमें मिस मिलान अपने आप को देख रही थी वो पेट बर्ड सब वैनिश्ड हो गया यानि डिसअपियर हो गया और मेबल अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल वापस मिसेस डेलोवे की उस ड्राइंग रूम में आ गई जहाँ हर जगह उसके हिसाब से टॉर्चर ही टॉर्चर था मानो ऐसा लगा कि किसी ने उसे नींद से उठाकर फिर से रियलिटी में ले आया बट बच्चों ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है कि मेबल जो कि 30-35 इयर्स की खुद है जिसके खुद दो बच्चे हैं लेकिन आज भी वो दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंडेंट है इतनी पॉल्ट्री यानि अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट समझती है वीक ब्लडेड यानि एकदम ठंडा खून है उसमें कि जोश ही नहीं बिल्कुल भी पेटी माइंडेड है यानी बहुत छोटा सोचती है खुद के ओपिनियंस या बिलीफ ही नहीं है उसके जबकि उसके उम्र के कितने लोग ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंट हैं और बड़े कन्विक्शन के साथ अपनी बातों को रखते हैं जैसे कि ये शेक्सपियर है ये डेथ है हम एक वी वीवेबल्स है कैप्टन के बिस्किट के मतलब बाकी के लोग कैसे अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज़ों को लेकर वैसा नेबल आज तक नहीं कर पाई मेबल जहाँ उस ड्राॅइंग रूम में थी उसके सामने एक ग्लास था जहाँ उसने खुद को देखा और अफसोस करते हुए शी पेक्ट यानी शी बाइट एट हर लेफ्ट शोल्डर उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस पर और उसकी येलो ड्रेस पे चारों बाजू से स्पेयर्स यानी नुकीले तीर फेंके जा रहे हैं बच्चों क्या सच में ऐसा कोई तीर मार रहे थे मेबल पे? बिल्कुल नहीं ये तीर मारना मतलब लोगों के टॉन्ट और ताने उसके और उसके ड्रेस के लिए थे अब मेबल फिर से रोज शॉक को देखती है एंड फॉर अ चेंज अपने आप को उसकी ड्रेस से नहीं बल्कि इस बार वो उसके नेचर से कंपेयर करती है वो रोज़ शॉक को बुडासिया से कंपेयर करती है बच्चों बुडासिया ब्रिटिश क्वीन थी जिन्होंने रोमन एम्पायर के अगेंस्ट में मार्च यानि जंग किया था जैसे वहाँ की रानी लक्ष्मी पाई स्ट्रॉन्ग फियरलेस कॉन्फिडेंट पावरफुल और मेबल खुद अपने आप को एक फुलिश सेल्फ कॉन्शियस बेवकूफ़ सी स्कूल गर्ल जैसा अज्यूम कर रही थी इतनी इनकॉन्फिडेंट मानो जैसे कैसे एक मोंग्रिल यानी स्ट्रीट डॉग्स को लोग मार के भगा देते हैं तो वहाँ यहाँ वहाँ कंफ्यूज होकर चिल्लाता और घूमता है बिल्कुल उसी तरह मेबल अपने आप को समझ रही थी अब खुद ही के दिमाग में ऐसा सोच रही थी और खुद ही पे शर्मिंदा भी हो रही थी अब बच्चों जनरली अगर हम एक पार्टी में या कहीं फ़ंक्शन में लेफ्ट आउट फील करते हैं या ऑकवर्ड फील करते हैं तो अपना दिल बहलाने के लिए अपने मोबाइल में लग जाते हैं ताकि लोगों को अवॉइड कर सकें और लोगों को ये लगे कि हम बिज़ी हैं मेबल ने भी कुछ ऐसा ही किया सामने लगी एक इनग्रेव्ड पिक्चर को बड़े गौर से देखने लगी जैसे बहुत डीप एनालिसिस कर रही हो उस पेंटिंग का लेकिन सबको पता था कि वो बस शर्म से अपनी नज़र बचाने के लिए उस पेंटिंग में देख रही है अब ऐसा करते वक्त मेबल जो खुद अपने आप को एक फ्लाई कंसीडर कर रही थी उस सॉसर यानी पार्टी में कहने लगी कि अब ऐसा लग रहा है कि वो फ्लाई सॉसर में गिर चुकी है वो भी सॉसर के बीचों बीच और निकलने की कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल पा रही है उस मिल्क में से अब तो मिल्क की वजह से उसके विंग्स भी स्टिक हो गए हैं उड़ भी नहीं पा रही है ये फ्लाई कोई और नहीं मेबल है जो उस पार्टी में से अब निकल भी नहीं पा रही है और ना इंजॉय कर पा रही है तो बच्चों आई होप यहां तक का पार्ट आपको समझ आ गया होगा अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट टू कंप्लीट द स्टोरी थैंक यू एवरी वन बाय